नमस्कार फरीदाबाद, मैं योगेंद्र पाल और अभी हम पहुंचे हैं बल्लभगढ़। और आपको बता दें, बल्लभगढ़ में एक ऐसी घटना हुई जहां बाइक का हॉर्न बजाने के चक्कर में दो लड़कों को इतना पीटा जाता है कि वो अस्पताल में भर्ती होते हैं। एक लड़के की हालत अभी गंभीर है और दूसरे का पैर में फ्रैक्चर है। और उसके हमारे माताजी हमारे साथ हैं, इनसे एक बार जानने की कोशिश करेंगे कि क्या थी पूरी घटना, कब की घटना थी। नमस्कार जी, क्या नाम है? मेरा नाम ममता है। ममता जी, क्या बात हुई थी और कब की बात है ये? 19 तारीख को रात के 9:30 बजे की बात है जी। और दोनों मेरे बच्चे, वो हमारा एक मतलब किराए पे रहता है और मेरा लड़का, दोनों ही जिम करने के बाद में घर आ रहे थे। उनका एक दोस्त मिल गया, वो बोला मेरे को बस अड्डे तक छोड़ दो। वो बस अड्डे उसे छोड़ने जा रहे थे। उसके बाद में आगे से किसी ने बाइक लगा रखी थी, तीन लड़के थे वो, उन मेरे बच्चों मतलब जो बच्चा था साथ में, और उसने हॉर्न बजाया कि भाई हटा लो, लेकिन उन्होंने नहीं हटाया। उसने फिर से हॉर्न बजाया, नहीं हटाया। उसमें से एक लड़का उतरा और जो बाइक चला रहा था उसके एक मतलब थप्पड़ मार दिया। उसके बाद में जब फिर उसने हॉर्न बजाया, भाई हटा ले, अब तो हटा ले, उसने फिर भी नहीं हटाया। फिर दोबारा से उतरा, फिर मार पिटाई करनी चालू हो गई। उसके बाद में ये दोनों बच्चे भी, एक मेरा लड़का नितिन कुमार और जो लड़का और पीटा गया है वो राजेश कुमार। कितनी उम्र होगी उस लड़के की? तो 24-25 साल है जी। मेरे लड़का 18 साल का हुआ है अभी। हाँ जी, तो वहाँ मारपीट वही बंद नहीं हुई? बंद नहीं हुई। उसके बाद में ये बच्चे चले गए, ये भग गए, मतलब ये भी चले गए इधर उधर, जान बचा के भग गए। उसके बाद में उन्होंने और 10-12 लड़कों को बुलाया और मेरा लड़का मंडी में दोबारा बाइक से घेरा और वहाँ पिटाई लगाई है और वो भग गया जेसीबी की तरफ। तो वो जेसीबी पे मारा है। अच्छा। और वो ज्यादा मारा है क्योंकि गंभीर हालत में मिला गया है। वो तो अभी मतलब आज 12 बजे आईसीयू से निकला है। 19 तारीख के लगी हुई चोट, आज 12 बजे आईसीयू से निकला है। कितने कैसे कैसे चोटें लगी हैं? कहाँ? उसका भी पैर फ्रैक्चर है, उसके भी कोई नुकीली चीज से हाथ में मारा है। मेरे लड़के के भी कंधे पे, गर्दन पे, कमर पे मार रखा है और डंडों से तो अनगिनत मार करी है। पैर में फ्रैक्चर है? और पैर में फ्रैक्चर है लड़के के। हाँ जी, उसके भी और इसके भी। तो पता नहीं लगा जी लड़के कौन थे? ये नहीं पता जी, ये तो इन्हें पता ही नहीं है कौन है कौन नहीं है। जानकार नहीं। कभी कुछ कोई बात हुई हो कहीं किसी से, कुछ कोई लड़ाई झगड़ा, ऐसा कुछ नहीं? कभी ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं? ये तो आपने जिम करके घर वापस? ये तो रोज जाते हैं जी, 8 बजे और 9 बजे अपने घर आ जाते हैं। लेकिन उस दिन इनका बस दोस्त मिल गया, बोला मुझे बस अड्डे तक छोड़, उसे छोड़ने के और एक हॉर्न बजाने के चक्कर में। बस कहाँ रहते हैं जी आप? हाँ, विष्णु कॉलोनी गली नंबर 9। विष्णु कॉलोनी में? हाँ जी, विष्णु कॉलोनी में रहते। और ये वारदात हुई थी ये कहाँ? ये हुई है जी किसान भवन के पास, मंडी शौचालय के पास में। अच्छा, ये उधर ही जिम उधरी जाते थे? नहीं नहीं, जिम जाते हैं सुभाष कॉलोनी में। ये वहाँ से भाग गए थे, मतलब ये फिर वहाँ से छोड़ने आए थे बस अड्डे। जब उन्होंने मारपिटाई चालू कर दी तो ये अपनी जान बचा के इधर उधर भागे हैं दोनों। तो एक उधर भाग गए, एक इधर, लेकिन इनका पीछा करके दोबारा से पिटाई लगाई है। दोबारा से पिटाई लगाई? हाँ जी। और बुरी तरह पीटा है? बहुत बुरी तरह पीटा है। तो वहाँ कहीं मेरे लड़का आज ही थोड़ा सही होश में मतलब बोल पा रहा, लेकिन उसे भी बहुत ही मारा था जी। चला भी नहीं। हमें तो पता लगा कि उन्होंने, उसके फादर ने भी फोन किया जब 9 बजे बच्चे घर नहीं आए, और हमने भी फोन किया। ये बोला मम्मी 10 मिनट में आ रहे हैं, हम मतलब दोस्त को छोड़ के आ रहे हैं। उसके बाद में ये 10 मिनट बाद नहीं आए। 9:30 बजे फिर कोई 9:20 पे हमने फिर फोन किया है, तो बच्चों ने मतलब फोन नहीं उठाया क्योंकि मेरे लड़के पे फोन नहीं था और जो इसके साथ था राजेश कुमार उस पे फोन था। उसके बाद में उसने नहीं उठाया, फिर दोबारा वापस फोन कराए, नहीं उठाया। इतनी देर में ही मेरे लड़के को दो जने कंधों पे लेके आ रहे थे। काम हुए घर पे? क्या घर पे? घर के दरवाजे के सामने लाए हैं। हाँ। और इसको घर छोड़ा है, पता नहीं वो कौन थे कौन नहीं थे। अच्छा। और वो उस लड़के को जेसीबी चौक से ही उसके फादर ने उठाया है। तो ये जब घर पहुंचा तब वहाँ तब पता लगा आपको क्या? हाँ जी, जब पता लगा कि झगड़ा हुआ है तो इसने बताया फिर? इसने ही बताया। फिर उसके बाद में इसे हॉस्पिटल लेके गए, वहाँ इस पे ना चलने फिरने की हालत कुछ नहीं थी जी, बहुत चोटें हैं उसके। तो पुलिस को शिकायत दे दी? पुलिस को शिकायत दे दी है। पुलिस ने क्या कुछ कहा? पुलिस उसी टाइम आई है, कार्रवाई कह रही है करेंगे, अब कर रही है जैसे भी होती है। फरीदाबाद, आप समझ सकते हैं कि किस तरह से
दोनों जिम करने गए थे, जब वापस लौटे तो मात्र हॉर्न बजाने के चक्कर में आगे कोई बाइक खड़ी थी जिसको हॉर्न बजा के हटा रहे थे, दो तीन बार हॉर्न बजाया, उसने नहीं सुना और उसने आकर इनके साथ मारपीट कर दी। और यहीं नहीं रुकी ये मारपीट, इसके बाद और लड़के बुलाए गए और उन लड़कों ने लाठी डंडों से और ना जाने किन किन नुकीली चीज़ों से इन दोनों पर वार किया और बुरी तरह पीटा। दोनों के पैरों में फ्रैक्चर है और जो राजेश है वो ICU में भर्ती था, और जो नितिन है आज निकला, और जो नितिन है उसके भी बहुत चोटें हैं, पूरे शरीर पर चोट हैं, कंधे पर जी चीज से, गर्दन पे नुकीली चीज से, कमर पे बहुत मारा है, और हाँ और डंडों से तो अनगिनत है दोनों उनकी मार, क्योंकि 10-12 लड़के थे वो। हाँ जी हाँ, 10-12 इसके साथ 5-6 जने थे और 5-6 जने ने उसके पीछे करा है, ये ज्यादा ही थे 10-12 से भी। 10-12 ज्यादा थे। हाँ जी, मतलब आधे आधे दोनों को ही घेर लिया है। तो वहाँ कुछ कोई किसी ने बचा, ये उधर तो ज्यादा, क्योंकि उधर की साइड तो किसी ने मतलब देखा या नहीं देखा है, उसे ज्यादा मारा है, इसे फिर भी किसी ने बचा लिया हो या कैसी भी है, मतलब थोड़ा सा कम है, नहीं तो बराबर चोटे। तो आप देख सकते हैं एक दुखद घटना है फरीदाबाद, और किस तरह से क्राइम इतना बढ़ गया है कि जहाँ दिन दहाड़े लोग मारपीट करते हैं और बेवजह मारते हैं, और आप समझ सकते हैं कि यहाँ दो लड़कों को इतनी बुरी तरह पीटा गया मात्र हॉर्न बजाने के चक्कर में, और दोनों अभी अस्पताल में भर्ती हैं, दोनों का इलाज चल रहा है, एक ICU में था, दूसरा यहाँ अस्पताल में, दोनों प्राइवेट अस्पताल में भर्ती हैं और इलाज अभी जारी है। पुलिस को सूचना दे दी लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, और देखते हैं आगे क्या कार्रवाई होती है। तो क्या कहना चाहेंगे पुलिस प्रशासन से, क्या कहना चाहेंगे? अब देखो जी, वो बोल रहे हैं हम आए हैं, उस टाइम पे तो वो आए थे जब क्राइम हुआ था, हमने एडमिट अस्पताल में किया था उस टाइम पे वो आए थे, अब वो कर रहे हैं, अब उन्हें उधर भी करना है इधर भी करना है, तो वो बोल रहे हम कर रहे हैं कार्रवाई। तो क्या चाहते हैं अभी उनको पकड़ के और सजा देंगे? अब देखो जी, हाथ तो आए पहले, पता तो चले थे कौन, अब ये हमें तो यही नहीं पता आखिर उन्होंने ऐसा किया क्यों। बिल्कुल सही बात है, कोई ये जानते भी नहीं है, किसी को भी नहीं जानते, ये तो दोनों ही बच्चे सुबह के निकलते हैं, रात को 8 बजे घर में घुसते हैं, इन्हें तो यही नहीं पता कौन है कौन नहीं है, बेवजह। नहीं, दोनों ही बच्चे, मेरा लड़का भी और वो किराएदार, कभी भी घर से बाहर नहीं निकलते थे, सिर्फ अपने पढ़ने लिखने के लिए या अपना कोई काम होगा उसके लिए ही निकलते हैं, कभी कहीं नहीं जाते आते। तो फरीदाबाद अब देखते हैं इसमें आगे क्या कार्रवाई होती है, वो भी आपको बताएंगे, जोड़ेंगे आपको शहर की अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।